हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ये इन्वेस्टर चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायबिट की तरफ से जो ऑफर निकल के आ रहा है क्रिप्टो ऑफर, उसमें आपको पता है कि यहाँ पे 5 रुपये से लेकर 10,000 रुपये, 40,000, 50,000 रुपये अनलिमिटेड आप पैसा कमा सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल अप्रूव्ड है और काफ़ी लोग लूट रहे हैं और मैंने भी लूटा है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है जो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर समझाऊँगा, साथ ही साथ फुल एक्सप्लेन करूँगा कैसे होगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि ऑफर क्या है और कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे जो ऑफर है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और किसी को समझ में आने वाला नहीं है। तो बहुत आसान और पैसा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको एक बार समझ में आने की यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। यहां पे दो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, दो प्रॉब्लम, एक आ रही है डिपॉजिट प्रॉब्लम और दूसरी आ रही है आपको यहां पे विड्रॉल प्रॉब्लम, और तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप पैसे कैसे अर्न करेंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत आसान स्टेप बहुत ही है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड इतना ज़्यादा है कि आसान होने के बाद भी आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ईजिली अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मैं इसको आसान ईजी बना दूंगा। तो कैसे बनाऊँगा, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए पहले, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर ऐसे अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाता है। जहाँ पर जब तक मैं पूरा फुल इसका प्रोसेस नहीं समझ जाता और अप्लाई नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको नहीं समझाता हूँ। ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल इजी समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको साइनअप करना है। साइनअप करते समय आपको यहाँ पे, मैं क्लिक करके बता दूँ कैसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। जहाँ तक आपको समझें आप, तो वहाँ तक आप स्किप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी से बता रहा हूँ। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, साइनअप नाउ के सेक्शन में क्लिक करना है, साइनअप है। अब इस पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी अपना डाल देना है, जो ईमेल आईडी आप जेन्युइन यूज़ करते हो, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाल के आई एग्री सेक्शन क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक करिएगा। जैसे एज आ कन्फर्म आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। आपको यहाँ पे OTP वगैरह आएगा, वेरिफिकेशन के लिए डाल दीजिएगा, डाल के कंटिन्यू कर दीजिएगा। करने के बाद जैसे अब इसमें साइन अप हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, साइन अप होने के बाद जस्ट आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे बायबिट का जो ऐप है प्ले स्टोर, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर से बायबिट आप सर्च करिएगा, बायबिट क्रिप्टो डाल दीजिएगा, इस प्रकार से आपको ऐप मिल जाएगा, बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐप यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्रेंड, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। ठीक है, जैसे आप स्किप करेंगे यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट के सेक्शन देखने को मिलेगा, गेट स्टार्ट के सेक्शन क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको फिर से यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लॉगिन पर क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स, जैसे लॉगिन पे क्लिक कर दें, लॉगिन पे क्लिक करना, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, कुछ आपको यहाँ पे इस तरह का वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। ऐसे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फायर हाइड्रेंट कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, या आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे कार वगैरह, तो कार जितनी कार कहाँ जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ पे तीनों कार सेलेक्ट करके, मतलब तीन कैप्चर कोड सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्राई लेटर का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ट्राई लेटर पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद एक सिंपल सा स्टेप और आपको करना है, सिंपल सा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले के सेक्शन में क्लिक कर देना, जस्ट ऊपर आपको देखिएगा प्रोफाइल का सेक्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके, और आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो यहाँ अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी वेरीफाई नाउ का सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको टेक अ फोटो आईडी यहाँ पे सेक्शन क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, पासवर्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको यहाँ पे तीसरा चौथा ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, आईडी कार्ड वाले पे, और अपना आपको यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट और बैक फोटो खींच के अपलोड कर देना। यदि आपका पैन कार्ड है तो आप फ्रंट फोटो और प्लस बैक फोटो दोनों यहाँ पर पैन कार्ड का खींच के अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड पर सेलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप 2 से 3 मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, जब भी आप इसको चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो बस आपका ये अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था, सिंपल सा स्टेप था, इतना ही आपको करना था। और करने के लिए आपको यहाँ पे $20 मिल जाएगा। अब आपको कैसे मिलेगा इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इनकी जो टर्म कंडीशन है, ये $20 कैसे देंगे, तो यहाँ पे आपको जो $20, ये आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं देने वाले हैं। तो जो $20 है आपको डायरेक्टली इनके रिवार्ड वाले सेक्शन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना, एसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस एसेट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। कहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जस्ट देखिए, यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर एसेट्स ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको $20 लिख के आ जाएगा। जैसे भी $6, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस निकाल लिया है,
$20 लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसका $20 कैसे आएगा यहाँ पे, और $40 अभी यहाँ पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे $40 कैसे आएगा ये बात हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैसा आएगा, ये पैसा तो आपको डिपॉजिट कर देंगे, इसको आप निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे निकालने की हम ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बाइबिट ऐप है ये जो है क्या कर रहा है कि आपको एक अमाउंट दे रहा है बोनस के तौर पर, भाई ये इतना हम दे रहे हैं डॉलर में, तो आपको यहाँ पर जो भी डॉलर मिल रहा है इस डॉलर को आप क्या करेंगे, कभी भी ट्रांजेक्ट करेंगे तो इसमें से जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए यही आप इस ऐप को यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा बैलेंस में से निकल जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस बैलेंस को एक बारी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपने डायरेक्ट मेन अकाउंट पे, और कन्वर्ट करके उसका बैलेंस निकाल ले रहे हैं, और निकाल के हम उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो यही ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको मतलब कि ये नहीं कि डायरेक्ट कंपनी आपको दे देगी, बस साइन अप किया हो गया और आपको यहाँ रिवार्ड सेक्शन, कहीं भी आपको ये बैलेंस नहीं, इसमें एक ही जगह बैलेंस दिखे जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट में आइएगा और आपको यहाँ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा इस चीज़ को आपको समझना है, ये डायरेक्ट नहीं कि आपने KYC किया और आपको बैलेंस मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना, सिंपल से समझिए, कुछ नहीं करना इसमें, बोल रहे कि आपको डिपॉजिट करना है, क्या करना है, तो ऐसे वाले ऑप्शन पे आइएगा, डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, इन्होंने बोला कि डिपॉजिट करिए, डिपॉजिट आपको यहाँ पे $200 करना है, कितना $200 ये बात, लेकिन $200 तो मेरे पास है नहीं, $200 मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, 3000 रुपये 4000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो आपके पास 3000 रुपये कम से कम होना चाहिए, 3000 रुपये आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। कैसे डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे कोई भी कॉइन इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यदि आपको आसान तरीका आपको चाहिए डिपॉजिट करने का, तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे USDT है, USDT को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये TRC20 पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा डिपॉजिट करने के लिए ये जो कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे, अब इस एड्रेस को आप कॉपी, यदि आपका दो मोबाइल है तो आपको क्या है इसको स्कैन कर सकते, कैसे करना बता दें। अब इसके लिए डिपॉजिट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऐप में आपको KYC भी करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इस ऐप का नाम है सन क्रिप्टो ऐप को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। कैसे सन क्रिप्टो में अकाउंट बनाते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ। इसमें अकाउंट बना ली, बहुत ही आसान स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल समझिए ईजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो सन क्रिप्टो में पहले बैलेंस ऐड करो, कैसे बैलेंस ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा कुछ मत करो, ये INR डिपॉजिट का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको डिपॉजिट वाला सेक्शन मिल जाए, इस पर क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंट डिपॉजिट बैंक ट्रांसफ़र, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, एक IFSC कोड मिलेगा, ये और आपको बैंक नेम और अकाउंट नेम, इस पर क्या करना है, इसी को आपको सबको कॉपी कर लेना। आपका बैंक अकाउंट नंबर जो अलग रहेगा, मतलब जितने भी आप जैसे आप रजिस्टर्ड करोगे ना जब, तो आपको वहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो थोड़ा सा सिम अलग रहेगा, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना। करने के बाद इसका कॉपी कर लो, करने के बाद इसी पे आपको बैलेंस क्या करना भेज देना है, कितना 3000। जैसे आप 3000 भेजेंगे तो इंस्टेंट आपके डायरेक्टली जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन में आपको पैसा देखने को मिल जाएगा within 5 मिनट के अंदर, ठीक है। within 5 मिनट यहाँ पे आप देखिए, मैंने डिपॉजिट किया था ₹2990 और मुझे यहाँ पर ₹2990 मिल गया तुरंत, हो गया। इतना समझ में आ गया जैसे डिपॉजिट हो जाए। इतना समझ में आने के बाद जस्ट आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने वाला USDT का, जहाँ पे लिखा होगा TRC20, तो TRC20 वाला ऑप्शन, कौन सा TRC20 वाला ऑप्शन जो है इसको चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद अभी आपको जब यहाँ पे चॉइस कर लेंगे तो अभी आपको यहाँ पे जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार के ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट अब आपको यहाँ पूछ रहा है भैया आपको क्या करना, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी आपको विड्रॉल करना है। तो सबसे पहले एक बात और समझ लो, जब आप बैलेंस ऐड कर लोगे, जैसे मैंने 2990 ऐड किया, पहले से मेरा बैलेंस कुछ था, तो मैं क्या किया USDT में आया, ठीक है, यहाँ पे आया, TRC20 वाला सेक्शन क्लिक किया, दो USDT में दो है, ठीक है, ध्यान रखना आपको TRC20 वाले को क्लिक किया, बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और जितना बैलेंस आपके पास सो रहा है, जैसे यहाँ पे बैलेंस मेरे देख रहे हो 0.22, तो जितना भी आपको यहाँ पे सो रहा है उतना यहाँ पे आपको डाल देना है 0.26, ठीक है, 2880 इतना डाल देना है। डालने के बाद पे के सेक्शन में क्लिक कर दी, जैसे पे के सेक्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपका ये ऑर्डर है बाय हो जाएगा, ठीक है, बाय हो जाएगा। अभी मेरे पास अमाउंट कम है इसलिए नहीं हो रहा, बाय हो जाएगा और मैं इसको कर चुका हूँ एज आपको बताने के लिए। बाय होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको वहाँ बैलेंस डिपॉजिट करना है, तो आपको यहाँ पे
इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है विड्रॉल वाले, क्योंकि बैलेंस आपको यहाँ से विड्रॉल करना है और डिपॉजिट वहाँ पर करना है इसी के। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ऐड न्यू एड्रेस वाले, और यहाँ पे आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे इंटर नेम में डाल देना USDT TRC20, ठीक है, इंटर नेम में। और आपको यहाँ पे जो एड्रेस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इंटर एड्रेस वाले ऑप्शन में अब आइए खेल समझते हैं। एड्रेस में आपको क्या डालना, जो यहाँ पे मैंने कॉपी कराया था ये वाला, ठीक है, ये जो एड्रेस है ये आपको वहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो आप कैसे कॉपी करा इसको फिर से समझिए। अभी आपने यहाँ पे ऐप को जैसे ओपन किया, ओपन करना एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो एसेट वाला ऑप्शन नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे वाले डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको USDT ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर TRC सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट कर लेना है, TRC20, क्योंकि हम TRC20 में ही करने वाले हैं। तो TRC20 यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कॉपी, इस पर क्लिक कर लेना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पॉट अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि स्पॉट अकाउंट सेलेक्ट नहीं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पॉट इस प्रकार से लिखा होगा स्पॉट अकाउंट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपको कॉपी यहाँ पे कर लीजिएगा, हमें यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना बैक करता हूँ। बैक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे USDT TRC यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद जो आपने वहाँ पे कॉपी एड्रेस किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस प्रो वाले प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने का तो जो आप अकाउंट जब बनाते हैं तो एक MPIN आता है, उस MPIN को आप डालेंगे। डालने के बाद जस्ट आपका ये जो एड्रेस है ये सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, नीचे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से डाल के रखा तो शो हो गया, तो जो वाला आप हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे दो हो गया, ठीक है। तो आपको समझाने आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिलीट करने के चक्कर में दोनों डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर लेता हूँ। TRC20 यहाँ USDT का डाल देता हूँ, USDT, ठीक है, और TRC20 डाल देता हूँ नाम में, और उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दिया हूँ। जस्ट नीचे आऊँगा, प्रोसीड कर सकते क्लिक करो, MPIN डालूँगा। MPIN जैसे डालूँगा ये जो मेरा एड्रेस सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया है। आप मुझे कुछ नहीं करना, इस वाले एड्रेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके जस्ट जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे बोलेगा विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉल के लिए क्वांटिटी पूछेगा, तो जो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी जो भी दिखेगा आपको, यहाँ पे ये क्वांटिटी जो भी यहाँ पे लिखा होगा, इस क्वांटिटी को यहाँ पे आपको इंटर कर देना, जो भी लिखा होगा 0.000 जो भी होगा यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड कर सकते हैं, क्लिक कर देना ये वाले पे। क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे दोनों पे OTP जाएगा। तो पहले ईमेल वाला जो OTP है उसको डालिएगा, और फिर मोबाइल नंबर वाला OTP उसको डालिएगा। जैसे आप डालते हैं, डालने के बाद आपका ये जो बैलेंस विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल मतलब डायरेक्ट बाईबिट के ऐप में डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने में समय लगता है, 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लग जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका बैलेंस 100% वहाँ पे पहुँच जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, USDT जब सेलेक्ट करें तो TRC सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वहाँ पे भी TRC ध्यान रखिएगा, TRC पे ही आप वहाँ पे करिएगा। वहाँ पे दो ऑप्शन दिया है USDT का, तो वहाँ पे TRC एक है ERC, तो आपको TRC वाले पे ही क्लिक करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे TRC वाला है, और आपको यहाँ पे भी TRC में ही सेलेक्ट करना है। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी आपको TRC में ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ बैक कर लेता हूँ, और बैक यहाँ पे नीचे आया, यहाँ ऊपर का देखिए, एक ERC है, एक TRC, तो आपको TRC वाले में सेलेक्ट करना है। किस में सेलेक्ट करना है? TRC वाले में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, डिपॉजिट हो गया। जैसे डिपॉजिट हो गया समझिए, अब आधा काम आपका ख़त्म। अब सिंपल से 5 से 10 मिनट का काम बचा है, उसको करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका बैलेंस डिपॉजिट वहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, तो वो जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पॉट अकाउंट में यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने कितना बैलेंस यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही बैलेंस शो हो जाए तो समझ जाइए कि आपका जो बैलेंस यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब शो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस पर क्लिक करिएगा।
या स्पॉट वाले ऑप्शन में क्लिक, यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा या फिर स्पॉट वाले ऑप्शन क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और कोई भी मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं, कोई भी अलग अलग सेलेक्ट कर, यहाँ पर बाय का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे लिमिट वाले ऑप्शन को मार्केट कर लीजिएगा और मार्केट करने के बाद जस्ट इसको आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बाय कर लेना है। ठीक है, इसको बाय कर लेना है। जैसे आप बाय करेंगे तो यहाँ ऊपर लिख जाएगा योर बाय हो जाएगा। बाय करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे इसके बगल में ही सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी के बगल में यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहीं पे ऊपर सेल वाले ऑप्शन क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ये जो लाइन है इसको पूरा फुल कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे फुल कर दीजिएगा और सेल वाले ऑप्शन में क्लिक कर, जैसे सेल करेंगे बस सेल हो गया, ये दो काम आपका हो गया। होने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पे बैक हो जाना है, मतलब कि यहाँ पे बैक हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ और होने के बाद अभी मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब दूसरे में ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर है ये नाम चेंज कर लीजिए आप, ये वाला जो ऊपर वाला है इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब की मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और अब की मैं बस यहाँ माना USD करके इसमें जो है इसको मत करिएगा, बस XRP ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिए। XRP पे क्लिक करता हूँ या बाय के सेक्शन क्लिक करता हूँ, इसको पूरा लाइन को फुल कर देता हूँ, यहाँ पर मार्केट कर देता हूँ और बाय XRP पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया। फिर सेल पे क्लिक किया, मार्केट रहने देते हैं, मार्केट इसको मार्केट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे इसको पूरा फुल कर देना और सेल के ऑप्शन क्लिक कर देना। इस तरीके से सभी अलग अलग, सभी अलग, एक बार उसमें किया XRP में किया, अब मैं यहाँ पे डॉग में कर देता हूँ। ठीक है, अब की डॉग में बाय का सेक्शन क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको कम से कम जितने भी कॉइन है सभी में आपको पैसा इस तरह बाय करना और सेल कर देना, बाय करना सेल कर देना। इस तरह क्या करें 10 से 15 बार आपको कर लेना। जैसे कर लेंगे, करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एसेट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे एसेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ $20 ऑटोमेटिक, 20 से $40 ऑटोमेटिक आपके इसी अकाउंट में शो हो जाएगा। ठीक है, कौन से अकाउंट में शो हो जाएगा, इस अकाउंट में। बस अब ट्रिक स्टार्ट होती है, अब आपका पूरा फुल प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब इसको बैलेंस को निकालना है और हमें कैशबैक कमाना है, मतलब कि हमें डॉलर अर्न करना है, पैसा अर्न करना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जस्ट आपको यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, नीचे ऑप्शन देखने के लिए डेरिवेटिव्स का, यहाँ पे डेरिवेटिव्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है नीचे, ठीक बीचों बीच में, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और शो होगा, इस पर क्लिक करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करिएगा, 24 आवर्स चेंजेस, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा ये वाला, जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन है, ये क्रॉस वाला ऑप्शन क्लिक, कभी क्रॉस इधर होता है और कभी इधर भी हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे क्रॉस लिखा हो उस पर सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ये जो दोनों आप देख रहे हैं लाइन आधी आधी, इसको क्या फुल कर देना। ठीक है, इसको ऐसे फुल कर देना और सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक काम और करना है, जो यहाँ पे लिमिट है इसको मार्केट कर देना है। तो लिमिट को मार्केट हम कर देते हैं। मार्केट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो लाइन वाला है ये वाला, इसको आपको हाफ कर देना, 50%। यहाँ तो हम 50% सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, ओपन और यहाँ पे ओपन शॉर्ट। अब दो, एक ओपन वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन वाले क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्री आएगा, एग्री करके क्लिक कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन शॉर्ट वाले ऑप्शन क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कंफर्म कर देना। जैसे कंफर्म करेंगे तो दोनों आपका जो ऑर्डर यहाँ पे नीचे शो होने लगेगा कि आपने कितने ऑर्डर लगाए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बता दे रहा है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने दोनों में पैसे लगा दिए, एक आप देख सकते हैं लॉन्ग में मैंने लगाए, एक मैंने शॉर्ट में लगाया। ठीक है, दोनों पैसा, दोनों पे एक लॉन्ग में है एक शॉर्ट में, जैसे मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया था। ठीक है, अब दोनों पे देखिएगा, एक ना एक विनिंग होगा, एक लॉस होगा तो एक विनिंग होगा। जैसे ये देखिए, ये प्रॉफिट में जा रहा है और ये लॉस में जा रहा है। तो जो प्रॉफिट में जा रहा है वो, जब तक जैसे आपने $10 आपका जो है $20 मिला है, तो $10 तो इन्वेस्ट किया गया, तो कम से कम जब 10 से ऊपर चला जाए, 12, 13, 15, ठीक है, 16, 17, ऐसे 20,
तो उस पर आप किसी भी क्लिक करें, मतलब जितना कम से कम जाए, जितना ज़्यादा जाए, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जाए उस पर क्लिक करें। मतलब लालच करने की जरूरत नहीं। यदि आपका $15 भी मिल जाए तब भी आप उसको $14 तब भी मिल जाएगा, तब भी $14 कम नहीं होता, तब भी आपको यहाँ 500 से 600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लोज बाय का ऑप्शन देखिए मिलेगा, ठीक है, जो ज़्यादा जो बढ़ेगा उस पर क्लिक करके, क्लोज बाय वाले ऑप्शन क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे कंफर्म क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाएगा, कितना आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कितना डॉलर का यहाँ पे आ जाएगा, और आपको कंफर्म, जैसे कंफर्म क्लिक करेंगे बस आपका ये जो ऑर्डर हो गया सेल। जैसे ही सेल होगा, सेल होने के बाद जस्ट आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे स्पॉट अकाउंट, यहाँ पे एसेट पे आइएगा, आने का स्पॉट अकाउंट भी यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, स्पॉट अकाउंट शो होने लगा, फिर आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। तो स्पॉट अकाउंट पे ऐसे नहीं शो होगा, उसके लिए क्या करना है मैं बता दूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्पॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जो ऊपर सबसे दिख रहा है स्पॉट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो सबसे पहले। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसमें आपका बैलेंस हो रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे देखिए USDT में बैलेंस हो रहा है, इस पर क्लिक करिएगा, आपका इसमें शो होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ट्रांसफ़र का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफ़र का, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नीचे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिख रहा ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ये जो ऑप्शन है स्पॉट टू डे, तो यहाँ पे क्या करें, इस पर क्लिक कर देना। पहले जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव से अकाउंट से स्पॉट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा जो आपने विनिंग किया। यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन जो यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन में क्लिक करें, जैसे के लिए जो अमाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा, शो होने लगेगा। होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र ऑप्शन नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लिक करें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाए स्पॉट, मतलब मेन अकाउंट, जैसे स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा, स्पॉट अकाउंट में शो होने लगेगा बैलेंस का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो स्पॉट अकाउंट, यहाँ पे देखिए स्पॉट अकाउंट में मैंने क्लिक किया है और जस्ट मेरा स्पॉट अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस देखिए मेरे $84 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो मैंने डिपॉजिट किया और जो मुझे यहाँ पे मिला, टोटल $84 यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब मैं इसको विड्रॉल कर लूँगा, तो विड्रॉल करने के लिए आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, एसेट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा, विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जिसमें बैलेंस शो हो रहा है, जैसे मेरा USDT में शो हो रहा था, USDT पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे TRC वाला सेक्शन, इस पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे TRC वाले सेक्शन क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज लगेगा, यहाँ पे $1 चार्ज लगेगा फीस, और आपको यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ऑल वाले से क्लिक करेंगे जितना बैलेंस होगा ऑटोमेटिक ले ले, जैसे यहाँ पे देख ले लिया है। लेने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एड्रेस का। अब आपको जब बैलेंस विड्रॉल करना है ना यहाँ से, तो विड्रॉल करने के लिए अब आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ विड्रॉल करना है यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे बैलेंस ऑप्शन आएगा ऐड करने का, ऐड पे क्लिक करिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, TRC सेलेक्ट कर लेना है, मतलब TRC का जो बैलेंस आप जैसे भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जब विड्रॉल करेंगे तो आपको डिपॉजिट कहाँ होगा, डिपॉजिट होगा आपको सन क्रिप्टो। तो सन क्रिप्टो ऐप यहाँ पे ओपन करिए, पहले सन क्रिप्टो ऐप ओपन कर लीजिए। ठीक है, सन क्रिप्टो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे USDT TRC सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपको क्या बैलेंस विड्रॉ वहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं और इसमें डिपॉजिट करना, वहाँ से विड्रॉल हो रहा है इसमें डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको ये जो आपका एड्रेस है ना, ये वाला, बस यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई आपका एड्रेस नेम और एड्रेस क्या है और आपका नेम, तो नेम जो है डाल दीजिए, USDT TRC डाल दीजिएगा 20, और आपको यहाँ पे एड्रेस में जो हमने यहाँ पे पेश किया है ये डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेगा, एक OTP वगैरह आएगा और उसके बाद फिर आपको विड्रॉल हो जाएगा। अब ये विड्रॉल कैसे हो फ्रेंड्स, तो मुझे समझाने में यदि कोई दिक्कत आ गई या मैं कोई स्टेप छोड़ दिया हूँ, नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके आगे का प्रोसेस बताइए, या तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे कैसे करूँ, तो उस चीज़ को आप मुझे व्हाट्सअप पे क्लियर कर सकते हैं। जैसे गूगल
ऑथेंटिकेटर यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा OTP के लिए। तो अब वो सब चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ। तो आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब आप वेरीफाई विड्रॉल और डिपॉजिट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वेरीफाई करने के लिए। तो वो कैसे होगा मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा।